बस पर लटक कर चलने के वीडियो वायरल होने पर एसपी सिटी जौनपुर ने दिया कार्यवाही का निर्देश। जनपद जौनपुर में बस छोटी सवारी गाड़ियों पर लटक के चलने वाले सवारियों के संबंध में जब से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जनपद जौनपुर के एसपी सिटी डॉक्टर अनिल कुमार पांडे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया एवं बस मालिकों को इस संबंध में सवारियों को जबरदस्ती बस में लटकाने या ऊपर बैठने के लिए मना करने का निर्देश दिया गया है। अगर सवारी नहीं मानती है तो उस बस को उसी स्थान पर खड़ी करके पुलिस को सूचना दी जाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र गिरी की एक खास रिपोर्ट। सर ये जाकिर खान सिंह की सरहद में जो है बच्चे बसों पे लटक के चल रहे हैं, ये जैसा मैं देख रहा हूँ वीडियो में ये आपत्तिजनक है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे ही हैं जो पीछे लटके हुए बस में, और केवल उसी थाने को नहीं बाकी थानों को भी इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस तरह से लटक के चलने पे प्रतिबंध लगाया जाए, बच्चों को समझाया बुझाया जाए और ख़ास करके बस मालिकों को कहा जाए यदि ये लटकते हैं मानते नहीं हैं तो ये बताएँ या बसें खड़ी कर दें वहाँ पर, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऊपर कोई चढ़ के न चले, कहीं तार है या फिर पेड़ की डालियां हैं उसे लटक करके अगर कहीं कोई झटका लगता है तो इसे गिरने से इनको चोट लग सकती है और कोई कैजुअलिटी नहीं हो सकती है। सर पुलिस खड़ी रहती है उसके बाद भी कोई भय नहीं रहता है, ऐसे ही इसके लिए हम चलते हैं। हाँ ये मैं इसे इंश्योर करना चाहूँगा कि पुलिस इस पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए, नहीं तो ये तो किसी भी समय घटना हो सकती है। कई दिनों से वीडियो ये वायरल हो रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, चूँकि पूरब में इस तरह से लोग लटक के चलते हैं और यदा कदा जब बस छूटती है या स्कूल छूटते हैं उस समय जो है वो जल्दीबाजी रहती है। मैं जनता से भी और इन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह से अपनी जान जोखिम में न डालें और पुलिस इसमें और सख्त कार्रवाई करें या जिस थाना क्षेत्र में चलेगी उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।